यहाँ पे देखिए ये 7 इंच का पाइप दिख रहा है दोस्तों, समरसेबल मोटर का है जो कि जाके टैंक को भरेगा ये, ठीक है। उसका लाइन है ये समरसेबल मोटर का। और अभी यहाँ पे देखिए टाइल्स का ये स्कटिंग लग रहा था, इसलिए यहाँ पे ग्राइंडर की वजह से देखिए पाइप कट गया है, यहाँ से इस तरह से ये कट गया है। तो इस केस में यहाँ पर कैसे कनेक्ट होगा मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बनाऊँगा, 5 मिनट में ये कनेक्ट हो जाएगा। देखिए 7 इंच का लाइन है, आपको पता भी होगा ये पाइप ना तो अप डाउन होगा, ठीक है, और ना ही ये ज़्यादा लेफ्ट राइट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है। तो इस केस में यहाँ पे कैसे आप लगाएंगे, अगर यूनियन डालेंगे तो फिर यहाँ पे बाहर आ जाएगा, टाइल्स लग रहा है, बाद में यूनियन अगर रिपेयर करना हो तो भी दिक्कत करेगा, ठीक है। तो यूनियन हम डाल नहीं सकते क्योंकि बाहर आ जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, वो भी 7 इंच का पाइप है। यहाँ पर किस तरह से आप दोनों पाइप को आपस में कनेक्ट करेंगे, बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा, आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए, पूरा कंटिन्यू बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। ये देखिए यहाँ पे 7 इंच का ये सॉकेट है, क्योंकि पाइप हमारा 7 इंच का ही डैमेज हुआ है, सॉकेट आप देख सकते हैं। और ये देखिए मेरे पास इतना सारा यहाँ पे टूल्स है, फाइल है, ठीक है, बहुत सारा फाइल्स मैं रखा हूँ, देखिए हर साइज का, ये आप देख सकते हैं। तो अभी क्या करूँगा मैं इस फाइल से, देखिए आपको करना क्या है, ये जो कॉलर है ना इसको कट करेंगे पहले, बस आप लोग देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये कॉलर वाला सॉकेट है जो दिख रहा है, और इसका कॉलर जो है मैंने ख़त्म कर दिया है, आप देख सकते हैं इसमें कॉलर दिख रहा है ये वाला, और यहाँ पे देखिए कॉलर इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए आगे का प्रोसेस क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए पाइप को यहाँ पे कट कर लिया, ये पाइप देखिए फट चुका है, तो जितना आप काट के निकाल रहे हैं उतना ही बड़ा टुकड़ा यहाँ पे आपको ले लेना है। ये देखिए पाइप को काट लिया मैं, अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा छोटा नहीं रखना है और बड़ा भी नहीं रखना है, देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर 1 mm पले रखना है, 1 से 2 mm। अब इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे। देखिए छोटा सा गलती हो गया यहाँ पे जल्दीबाजी के चक्कर में, देखिए 1 का सॉकेट हमने रिमूव नहीं किया, और ये पाइप जो है लेफ़्ट राइट होगा नहीं, अगर लेफ़्ट राइट करना है तो बहुत ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा, जो कि मुझे करना नहीं है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही ज्वाइंट करूँगा, मुझे ये हिलाना नहीं है, किसी भी पाइप को टच नहीं करना है, ऐसे ही ज्वाइंट होगा। तो इस केस में दोनों सॉकेट का आपको कॉलर रिमूव करना है, देखिए एक ये तो बेकार हो गया, ये वाला ये हम फेंक देंगे इसको, ठीक है। पाइप का टुकड़ा लिया ये देखिए इसके नाप का, 2 सॉकेट का यहाँ पे कॉलर रिमूव किया, एक आप देख सकते हैं यहाँ पे है और दूसरा देखिए पहले से ही रिमूव है, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पे लगेगा, एक ऊपर लगेगा, जॉइंट होगा, कैसे करेंगे आइए दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको मैं कनेक्ट कर दिया हूँ, देखिए लिप पोत के कनेक्ट हो गया है, हालांकि थोड़ा सा और यहाँ पे साफ़ सफाई के साथ भी ये हो सकता है,
ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है सॉल्वेंट वगैरह पे। ये देखिए ये वाला सॉल्वेंट है, ठीक है, और जगह के ऊपर डिपेंड कर, यहाँ पे जगह नहीं था ठीक से बैठने के लिए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सफाई से काम नहीं हुआ, लेकिन तरीका यही है, सही है। देखिए अब इस तरह से ये कनेक्ट हो गया है, लीकेज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, टेस्टिंग भी हो गया है यहाँ पे।